बहुत करवा चौथ जैसे मैंने बोला था मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी, सो आज भी हम जो करने जा रहे हैं वो करवा चौथ की शॉपिंग है। बैंगल्स लेनी है मुझे, और क्या होता है, हाँ जो सर्दी के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो खरीदनी है मुझे, सो मैं उन्हीं की शॉपिंग करने जा रही हूँ। और मैं आपको चेक करूँगी क्या क्या लेने वाली हूँ। अभी मैं जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए, करवा चौथ फोर्थ को है बट मैं मेहंदी सेकंड को लगा रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मेहंदी का रंग दो दिन बाद ज़्यादा अच्छा आता है, सो सो मुझे ड्रॉप किया जाएगा फिर मुझे उठा लिया जाएगा। ये है पागल जनता, सो प्लीज अवॉइड। अभी हम मेहंदी लगवाने आए हैं। दो बज गए हैं और हमारे घर में अभी तक कोई नहीं सोया है। सर्दी टाइम भी होने वाला है लेकिन मुझे लगता है हम सर्दी के बाद ही सोएंगे सब लोग। Let's see क्या होता है कल। हेलो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सारिआं नूं। और जैसे कि आज करवा चौथ है, सर्दी का टाइम है, 4 बजे सुबह की। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरा वेदू और मेरी चाची सास जो कि मेरी छोटी मदर इन लॉ है, वो सब जगह हुए हैं। वही मेरे लिए अभी खाना रेडी कर रहा है। मैंने थाली तैयार की है और मैं नया सूट पहन के, चूड़ा पहन के बैठी हूँ। मैंने श्रृंगार अभी नहीं किया है क्योंकि मैं 9 बजे के बाद रेडी होने वाली हूँ प्रॉपर। जो भी मैंने पहनना है सूट वो भी मैं आप लोगों से लुक शेयर करूँगी। मैंने सिर्फ बिंदी और झुमके पहने हैं अभी। आई शो यू माई सूट। कहते हैं तारों की छाँव में खाना चाहिए, तो हम लोग अभी जाके देखेंगे। तारे निकले हैं, तारे हैं कि जा चुके हैं। अगर जा चुके होंगे तो फिर तो मैं नहीं खा पाऊँगी, लेकिन मुझे पता अभी होंगे 4 बजे अभी तो। और अब ये देख रहे होंगे मैंने थाली के साथ ये दो रखे हैं। वैसे मैंने मिट्टी का करवा भी रखा है, शोली वन ये रात को अर्घ देने के लिए रखते हैं। और ये दो मैंने पानी का रखा है क्योंकि मेरी जेठानी जी, मेरी सिस्टर लॉ ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो वो ये लेके तो आ नहीं सकते, फ्लाइट में गिर जाएगा पानी, सो उनके लिए भी मैंने रखा है सो दैट जब वो आए रात को हम लोग दोनों पूजा कर सके। और ये थाली छोटी सी मैंने थाली तैयार की है जिसमें नमकीन, पंजाबी में मठियाँ बोलते हैं, नमकीन और नहीं सॉरी मीठी और फीकी दोनों रखी हैं। ये पार्वती जी के श्रृंगार का सामान है, बैंगल्स हैं कांच के जो कि शगुन होता है, मैंने चूड़े के साथ पहन ली है ऑलरेडी ये है। और जो मैं खाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले हम चलते बाहर देखने की तारे है कि नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो रहे चंदा मामा और वो रहे तारे। अभी तो एक ही तारा नजर आ रहा है मुझे, लेकिन दिखा 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 तो तारों की छाव पे हमें सर्दी खानी है, सो अभी हम सर्दी खाएंगे और रिदु को भी ज्वाइन करवाएंगे। ऑन द वे मुझे मेरे देवर मिले जिन्होंने मुझे उठाया सुबह, क्योंकि इन्होंने मुझे सुबह उठाया क्योंकि 3 o'clock तक तो मैं उठी हुई थी, उसके बाद मैं कब बेहोशी मुझे नहीं पता। 4:00 तक मुझे याद मैं कहा भी उठ जाओ अब सर्दी का टाइम आ गया है। बाकी सारे घर के मेरे सिस्टर इन लॉ जो कि ओके लेट मी शो यू इन्होंने मुझे उठाया। और एक और है छोटू, ये हमारे घर दीदी काम करते हैं उनका बेटा है एंड वेरी क्रिएटिव पर्सन, मेरी मोस्ट ऑफ द फोटोज वीडियोज ये भी बना देता है कभी कभी। और चलिए अब देखते क्या करने वाले हैं हमारी। मैं तो सोने वाला हूँ।
और मेरे घर की जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसे प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतने देवर और नहीं नंदी है, सो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। अभी मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है और ये है मेरी छोटी सासू माँ जिन्होंने मेरे लिए सारा ना ये रेडी किया है। ये है आलू की सब्जी, खा लो तारे मट जाए यस पहले मैं खा लूँ, पता चला मेरा व्रत अभी से शुरू हो गया। तो ओके ये दिखाओ कैमरामैन प्लीज कम हियर। ये फैनी है, ये आलू गोभी की सब्जी है जो कि बहुत ज़्यादा डालती है, बट इट्स ओके। ये नारियल का पानी है, ये रोटी है, केला है और नारियल भी आने वाला है कच्चा, जैसे बोलते जो कि मेरी माँ मुझे बोलते हुए खाना चाहिए, शगुन होता है प्लस उससे प्यास भी नहीं लगती है। सो ओके अब खाने के बाद मैं मिलती हूँ। सो मैं सलून आई हूँ इसलिए ना लैक्मे सलून जलंधर में ही है। सो ये लोग मैनीक्योर पेडीक्योर बहुत अच्छा करते हैं, सो अभी मैं क्लीनर भी लेने वाली हूँ आईब्रोज वगैरह, मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से लड़की बन लिया जाए। और क्या क्या करने वाली हूँ बताऊँगी आप लोगों से, सॉरी मैं हॉरिबल लग रही हूँ, मुझे खुद का ही चेहरा डरावना लग रहा है इसमें, बट ओके अभी पैम्परिंग टाइम है सो आई शेयर विद यू गाइस। अच्छा तो मुझे सजेस्ट किया गया कि आप फेशियल करा लो जिसे करवा चौथ है, तो ये लाइफ में मेरा सेकंड फेशियल होगा और जो करने वाले हैं उनका नाम है सुमन। से हेलो सुमन। हेलो। ये जलंधर में है, ये आईब्रोज आप देख सकते हो मेरे आईब्रो की शेप, मैं बड़ी पर्टिकुलर हूँ इन चीज़ों को लेके, अदरवाइज मैं करवाती नहीं थी यहाँ से, लेकिन जब से मुझे इनका पता चला तो मैं आईब्रोज इन्हीं से करवाती हूँ। जलंधर में जिनको अपने आईब्रोज अच्छे करवाने हैं, फेशियल कराना है, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें। सुमन 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 और राइट, बाकी क्या चीज़ें मैं करने वाली हूँ आप लोगों से मैं शेयर करती रहूँगी, अभी फ़िलहाल मेरे चेहरे पर हो रही है ब्लीच। ओके सो ब्लीच डन। जब तक बॉम्बे में थी तो मैं क्यू स्विच लेती थी विच इज़ लाइक अ लेज़र ब्लीच एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन अभी यहाँ जलंधर में हूँ और इट्स बिन लाइक अ वन एंड हाफ ईयर्स मैंने फेस पे कुछ नहीं किया, लाइक आईब्रो अपर लिप्स तो थे बट बाकी कुछ चीज़ें नहीं थी, सो आई थॉट करवा चौथ पे कुछ ग्लो लाया जाए फेस पे, क्योंकि मैं घर पे ही जो फेस पैक वेस पैक जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी सोचा चलो कुछ स्पेशल, क्योंकि सबसे सुन सुन के मैं ये करवाने जा रही हूँ, मैं ये करवाने जा रही हूँ, समझ मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी करवाऊँ। सो अभी ब्लीच हो चुकी है, लेट्स सी कैसा इफेक्ट आता है, कैसी लगूंगी मैं, आई एम सुपर एक्साइटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मुझे ऐसे मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, जब स्पेशल डे होता ना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, जैसे बेबी शावर में था तो मुझे अपने बाल नहीं अच्छे लग रहे थे, वैसे ही उसमें तो मैं फुटबॉल बनी हुई थी, फुटबॉल भी छोटू वाला नहीं बड़ा वाला, और शादी के फंक्शंस में भी मुझे ऐसा लगता है यार ये कर लेती वो कर लेती, लिपस्टिक क्यों डार्क रखी, ये हेयर कलर क्यों था, अब चेंज कर, तो कितने थॉट्स आते हैं जो आपको एक एक मिनट के बाद चेंज होते रहते हैं। सो अभी भी ऐसा ही है कि मैं करवा चौथ पे क्या पहनूँ, कैसे करूँ कैसे करूँ, जो सोचा है वही करूँ कि कुछ चेंज कर दूँ। सो देखो क्या होने वाला है, अभी तो ब्लीच डन, सी आईब्रोज, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेती चंडीगढ़ में, मैं किसी से नहीं करवाती, और लास्ट टाइम भी जो मैंने कराए थे आफ्टर 4 मंथ्स करवाए थे, सो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ग्रो करने के बाद ज़्यादा अच्छी शेप आती है, सो अभी तो ग्रो करने का मौका नहीं दिया, थोड़े ही थे तो करवा चौथ आ गया, दिवाली है सो अच्छे अच्छे बनना है। लॉकडाउन में मंदिर में जाना अवॉइड किया तो पंडित जी ने कहा हम घर आ जाएंगे, अब करवा चौथ पंडित जी हमारे गीता मंदिर से, थैंक यू पंडित जी, शुक्रिया बोल सकते हो। ओम मारी ओम हम मारे अभी हमारा फोटो शूट शुरू होने वाला है, सब रेडी है ऑलमोस्ट, ये हैं फोटोग्राफर,
सो जो भी फोटोज हैं वो भी हम अपलोड करेंगे, लेकिन अभी वीडियो के लिए यू आर सी. मजाक कर रहे हैं. हैप्पी करवा चौथ एवरीवन. सो अभी हम लोगों का फोटोशूट चल रहा है. मेरे दो चेंजेस हैं, पति को मैंने एक ही चेंज किया है, मैं ज़्यादा काम झाम नहीं करना. सभी को फ़ोन पे मिल गई है, सब तो आपने देखी ही है. मेरी डिज़ाइनर ही मेरा वीडियो बना रहे हैं. यू वांट सी मेरी यूट्यूब के लिए मुझे लगा कि वीडियो बनाई हुई तो फिर मैं थोड़ा अपना ड्रेसअप और ये सेटअप सारा दिखाई दूँ, शो ऑफ करी हूँ थोड़ा सा. तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा. और करवा चौथ का जो भी अभी सेकेंड चेंज है मेरा, मेरी डिज़ाइनर प्लीज़ दिखा दें आप. निहारिका और ये फैशनिस्टा ने बनाया, जो निहारिका ने बनाया अभी मैं वो चेंज करके आने वाली हूँ. तो फोटोशूट इसमें भी होने वाला. आर जी जो है फोटोग्राफ जो हमारी क्लिक कर रहे हैं वही अभी वो वीडियो बना रहे हैं ये वाला. तो स्टे कीजिए. फ्लैश ले इधर पीछे, फ्लैश इधर. कैसी है भाई? सूरज आसमां ये है बर्फी कहीं हो फिकंदे लगा. मैं ठहरा रहा, समी चलने लगी. धड़का ये दिल सांस दमने लगी. क्या ये मेरा पहला करवा चौथ है?